हम तमाम अपने युवाओं के साथियों से कहना चाहते हैं, आप बीच बीच में हमको रोके, आज आप लोग कहते हैं कि रोजगार साल में देखिए कितनी योजना ला रहे हैं, हम लोग आपके बीच आ रहे हैं, रोजगार के स्रोत खुलेंगे युवाओं का, जो भविष्य में जान रहा हूं आपका समय पार हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी लगे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हम विश्वास दिलाते हैं हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आप सबको हम लोग जो वादा किए हैं वो आपको दिलाने का काम करेंगे। आज 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं है, आप 25 साल के लिए मुख्यमंत्री है। नोटिस आता है खुशी भाजपा को होती है, नोटिस आता है भाजपा के ऑफिस में पटाखे फूटते हैं, ये क्या हम झारखंडी बर्दाश्त करेंगे क्या? मुझे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, याद रखिएगा। स्वागत है आप लोगों को, मैं हूं सरपुर से, और आप लोग देख रहे हैं सच झारखंड टीवी। झारखंड के जामतौरा से विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर जमकर बरसे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि स्टेज पर मौजूद है, और उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है वो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि किस तरह से क्या कुछ कहा है। मुख्यमंत्री को जैसे ही नोटिस आते हैं जमीन घोटाला मामले को लेकर, तब बीजेपी के दफ्तर पर पटाखे फूटते हैं, जश्न होते हैं, इस तरह का बयान दिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहा है कि 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि 25 साल के लिए मुख्यमंत्री है, इस तरह का बयान दिया है। और कई ऐसे जो कि योजना है जो कि जनता को लाभ मिल रहा है वो गिनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि पीएम आवास योजना के तहत जो जनताओं को घर मिल रहा था वो घर नहीं मिल रहा है, बंद कर दिया है उसको। इसीलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब वो आवास योजना के तहत झारखंड के जनताओं को घर देने का काम कर रहा है, उनको लाभ देने का काम कर रहा है, और आगे युवाओं को रोजगार देने के वादा किए थे उस पर भी काम चल रहा है, और बहुत जल्द युवाओं को रोजगार मिलेगा, इस पर भी क्या कुछ बयान दिया है इरफान अंसारी ने, वो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही जरूरी है आप लोगों को जानना। तो वीडियो को देखते रहिए और पूरा जानकारी जानिए। केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम आवास बंद कर दिया, अब लोग हमसे घर मांगते थे, कष्ट होता था बताने में कि हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हम सब की भावनाओं को समझा और मुख्यमंत्री जी ने कहा और ये निर्णय लिया, केंद्र सरकार अगर आपको आवास दे या ना दे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी आपको आवास देने जा रहे हैं, वो भी आवास आपको देने जा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं सर को कि सर जल जंगल जमीन हमारी पहचान है, और आप मुख्यमंत्री महोदय आप उनके बेटा हैं, याद रखिए, जिन्होंने राज दिलाने का काम किया। आज आप पर जो आरोप लगाते हैं लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या कमी है बताइए जमीन के मामले में। अरे जिनके पिताजी ने राज दिया, जिनके पिताजी ने हम सबको जमीन दिया, क्या उनके बेटा पर यह आरोप लगाना क्या सही होगा? बेवजह आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, एक सफल सरकार को आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। नोटिस आता है खुशी भाजपा को होती है, नोटिस आता है भाजपा के ऑफिस में पटाखे फूटते हैं, ये क्या हम झारखंडी बर्दाश्त करेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वाले, जमीन चाहिए, जमीन की कमी नहीं है हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, जितना जमीन चाहिए हम लोग देंगे, यहां के लोग देंगे मुख्यमंत्री को जमीन, क्या कमी है मुख्यमंत्री जी के पास बताइए। और मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री जी याद रखिए, मुझे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, याद रखिएगा, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आज आपका अब आवास मिलने जा रहा है, मैं पहले भी बोला हूं कि भाजपा के लोग आपके जमीन पर, आदिवासियों के जमीन पर, मोलवासियों के जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे, बड़े बड़ा घर बना लिया बाहर से आकर, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे आदिवासियों को, हमारे मोलवासियों को आवास दे रहे, तो भाजपा के पेट में जलन हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि भाजपा के कोई विधायक इस कार्यक्रम में नहीं आते हैं, मैं आपसे मांग करूंगा किसी भी तरह से आप उनको इस कार्यक्रम में लाइए, और सबसे पहले अब आवास आप भाजपा के विधायक को दे दीजिए। वो जानेगा कि अब आवास क्या होता है। मैं कहना चाहता हूं आप सबको
तीन कमरे का घर होगा, पक्का घर होगा, उसमें टॉयलेट भी होगा, उसमें बाथरूम भी होगा और आपके घर के पीछे एक एक कुआं भी होगा। ये देन हमारे मुख्यमंत्री जी की है। इसको भाजपा पचा नहीं पा रही है। मैं कहना चाहता हूं आप सबको अबुआ आवास, हमारे आदिवासियों के लिए अबुआ आवास, हमारे दलित भाइयों को अबुआ भीम आवास और हमारे मान्य अल्पसंख्यक भाइयों के लिए अबुआ अबू जान का आवास लीजिए। आवास ये देन मुख्यमंत्री जी की है, इसलिए मैं आपको कहूंगा इसका लाभ लीजिए। सरकार आपके पास आई है और हम लोग जाने वाले में से नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, सर आप राज के मालिक हैं, आप 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप 25 साल के लिए मुख्यमंत्री हैं। यही फांसारी करा आपको। शहर के चकाचौंध में मत जाइए, हम लोग तो गांव में घूमते हैं, गांव की आवाज आ रही है, एक एक लोगों की आवाज आ रही है। अब हुआ राज, अब हुआ दिसुम, अब हुआ हेमंत, ये आवाज आ रही है जनता में। इसलिए हम लोगों को इसको बना के रखना है। दूसरी बात हम कहेंगे, हमारे मंच पे हमारे आदरणीय गार्जियन स्पीकर साहब हैं, मैं कहूंगा सर क्षेत्र तो आपका बम है और आप मेरा हक छीन रहे हैं। आप नाला में कार्यक्रम करके ऐतिहासिक भीड़ लिया है, हम चाहते थे कि जामताम में कार्यक्रम हो, तो निश्चित तौर पर हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, अध्यक्ष जी से मांग करेंगे कि ये कार्यक्रम भी जामताड़ा में हो। जामताड़ा वासियों की ओर से आप सबको हम कहना चाहते, भाजपा पूछती क्या दिया, अभी आपने देखिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक पुल मिला हम लोगों को, बेरबिंदिया पुल। ये रघुवर दास मैं कहना चाहता हूं आप सबको, ये भाजपा ने 18 साल यहां राज किया, आपका शोषण किया, आपका दोहन किया, आपका खून पीने का काम किया, लेकिन विकास नहीं किया। विकास यदि कोई कर रहा है वो माटी का लाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। आज आप देखिए बिरविंदिया पुल बन जाने से निश्चित तौर पर संथाल पगना में एक क्रांति आएगी। हम रघुवर दास से मांगते मांगते रह गए कि सर वो क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आप वो पुल दे दीजिए। मांगते मांगते गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन भाजपा के लोगों ने नहीं दिया। रघुवर दास ने हमें पुल नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां आदिवासी लोग बसते हैं। हम जब मुख्यमंत्री जी के पास गए, इतना बड़ा दिल बताइए, वहां के लोग मर गए, मुख्यमंत्री जी ने हमको हेलीकॉप्टर दिया, वो कहा कि जाइए तुम जाओ इरफान, वहां जो लोग मरे हैं उस पुल के अंदर, वहां उनके परिवार को जाके मदद करने का काम करो। और हम मांगे और बताइए 300 करोड़ का पुल दिया गया जामताड़ा जिला को, ये कम बड़ी बात नहीं है, कम बड़ा साहस नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, मैं दिखाना चाहता हूं भाजपा के लोग, आओ और देखो विकास कैसे होता है। और आज युवा लोग को भटका रहे हैं आप लोग, हम तमाम अपने युवाओं के साथियों से कहना चाहते हैं, आप बीच बीच में हमको रोके, आज आप लोग कहते हैं रोजगार, आप लोग विश्वास कीजिए 3 साल कोरोना में मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी जान बचाने का काम किया। 1 साल में देखिए कितनी योजना ला रहे हैं हम लोग, आपके बीच आ रहे हैं, रोजगार के स्रोत खुलेंगे, युवाओं का जो भविष्य में जान रहा हूं आपका समय पार हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी लगे हैं। जो गांठ भाजपा ने बांध के रखा है उस गांठ को हम लोग, थोड़ा समय दीजिए, उस गांठ को खोलने में समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर हम विश्वास दिलाते हैं हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप सबको हम लोग जो वादा किए हैं वो आपको दिलाने का काम करेंगे। अंत में ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक बात जरूर कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जाको राको सागिया, मार सके ना कोई। मुख्यमंत्री महोदय आपका कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं हूँ सरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।